सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो यार, पहले ही सुन लो, मुझे इस वीडियो का आइडिया रूफी के ये वाले वीडियो को देखने के बाद आया। बट एक चीज सुन लो, ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होने वाले हैं, तो इस वजह से कमेंट में कोई कंपेयर करते मत बैठना, बस वीडियो को इंजॉय करो। वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1044 में गोरोसे के द्वारा हमें पता चलता है हर एक जोआन डेविल फ्रूट का खुद का विल होता है। ये लाइन इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके बाद जो गोरोसे ने बोला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गॉड के नेम को कैरी करता है, निका, सन गॉड निका। तुम सोच रहे होगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट दिख गया। भाई, इन बुड्ढों ने किसी को गॉड माना है और वो जो इनका दुश्मन है। अगर तुम वन पीस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें एक बात मालूम होगा, वर्ल्ड नोबल्स या कह लो सेलेस्टल ड्रैगन्स को हमें यहाँ के गॉड बताया जाता है, जिन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। यहाँ की पब्लिक को चूतिया बनाया गया है। 800 साल पुराना इतिहास जो एक्चुअल हिस्ट्री है यहाँ के किसी को भी नहीं पता, हाँ कुछ को छोड़ के। अगर कोई इनके बारे में जानने की कोशिश करता है तो भाई ये बस्टर कॉल तक जा सकते हैं। अभी के टाइम पर यहाँ के लोगों को ये बताया जाता है वर्ल्ड नोबल्स ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, ये यहाँ के गॉड हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। और अगर कोई इस बात को नहीं मानता या फिर सेलेस्टल ड्रैगन को टच भी करने का कोशिश भी करता है, भाई एडमिरल पीछे पड़ जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अभी तक वर्ल्ड का माइंड वॉश करने में कामयाब रही है, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कि स्काइपिया, वानो और एल्बाफ। हाँ, मैं एल्बाफ को भी लूंगा, भले ही एल्बाफ के बारे में हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, पर ये वाला पैनल देख के तो मालूम पड़ता है कि पक्का यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रिवील होगा। और यार सबसे बड़ी बात, इन्हें भी एक्चुअल गॉड के बारे में पता है। रही बात वानों की, ये पूरे दुनिया से अलग रहती है, ये अपने गेट वर्ल्ड के लिए बंद रखती है, लेकिन अभी जब लूफी वानों को फ्री करेगा तो वो वानों के गेट्स को वर्ल्ड के लिए खोल देगा, तब बहुत कुछ रिवील होगा। और क्या ये बुड्ढे ये सब देखते रहेंगे? नहीं यार, ये इस चीज को रोकने का पूरा ट्राई करेंगे। अब हम लोग आते हैं स्काइपिया पे। इन द पास्ट द वॉरियर्स हैड देयर रीजन फॉर वॉर। हमारे जनरेशंस के लिए स्काई हमारा घर है, प्लस इस अर्थ ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, ये हम हैं जिन्होंने एक दूसरे को रिजेक्ट किया है। और हाँ, स्काई नाइट भी कहता है अभी हमारे बीच में एक भी नहीं है जो वॉर चाहता हो। बट हाँ, ये बात तुम भी जानते हो कि अभी के टाइम पे कौन वॉर करेगा, ऑब्वियसली ये। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें ट्रू हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है, और इन्हें ट्रू गॉड के बारे में भी पता है। बिकॉज जब हमें नोलन का पास्ट दिखाया जाता है तो वहां पर जब इसे बलि चढ़ाया जा रहा होता है तभी गॉड के बारे में बताया जाता है, गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ द लैंड। अब इसी में से सन गॉड है तो ऑब्वियसली यार गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड गॉड ऑफ लैंड भी होंगे। अब हाँ, तुम बोल सकते हो इम भी हो सकता है, जो कि बस एक अजम्पशन है, पर हम अजम्पशन पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ, लूफी का फ्रूट अगर अवेकन होने वाला रहता है इन्हें मालूम पड़ जाता है। पर कैसे? एक्चुअल में इन्हें मालूम नहीं पड़ता है, इसे मालूम पड़ता है, या फिर कह लो पड़ती है, लड़का है या लड़की अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि कोई डेविल फ्रूट कब अवेकन होगा इसका पता तुम जितना भी यार खूंखार, जितना भी खुफिया एजेंट हो, चाहे तुम CP0 लगा दो या फिर CP9 लगा दो, या फिर तुम पूरा एकदम 100 तक CP का खड़ा कर दो, ये लोग कौन सा डेविल फ्रूट कब अवेकन होगा ये पता नहीं कर सकते। रही बात गोरोसे की, तो इन्हें भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये भी बस बात कर रहे हैं उस डेविल फ्रूट का मॉडल क्या है, उस डेविल फ्रूट का पावर क्या है, या फिर उसका रियल नेम क्या है। तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस यही निकल के आता है कि इन्हें इमू सामा ने ही बताया होगा कि जाओ जाके उस डेविल फ्रूट का अवेकन होने से रोको। पर क्या ये लोग रोकने में कामयाब हुए? नहीं। अब देखो, ये जो सारी चीजें अभी वानों में चल रही हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ काइडो के हार जाने से वानो आर्क खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड को पूरी तरह से अनबैलेंस होना बाकी है, प्लस वॉर में अभी तक थर्ड एक्ट खत्म नहीं हुआ है, और जब काइडो हारेगा तो वानो फ्री हो जाएगा, तब वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो को अपने कब्जे में लेना चाहेगी, जिसके चलते लूफी को ये बोलना पड़ेगा कि वानो मेरे प्रोटेक्शन में, वानो मेरे अंडर आता है,
लेकिन शायद फिर भी यहाँ पर हमें वॉर देखने को जरूर मिलेगा, जिसके बाद लूफी वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा और उसकी बाउंटी में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और हाँ, वो एक योंको भी बन जाएगा। वैसे वानों के गेट्स अगर खुलते हैं तो क्या क्या चीजें रिवील होंगी, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऊपर से वाहनों में पॉनिक्लिप भी है, एक इंफॉर्मेशन वाला और एक रोड पॉनिक्लिप, जिसके बारे में काइडो को पता है शायद। अब इस बार मैं ना रोड पॉनिक्लिप से ज्यादा एक्साइटेड दूसरे वाले पॉनिक्लिप से हूँ, बिकॉज इस बार वो क्या इन्फॉर्मेशन ला के देगा इसका पता बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर एक और एंशिएंट वेपन की जानकारी हो, लेकिन यार जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा तो रिवील पक्का होगा। और हाँ, ये जो सारी चीजें होंगी ना यार, ये वर्ल्ड को अनबैलेंस कर देंगी। खैर जो कुछ भी हो, ये सारी चीजों को लेकर के मैं बात करना चाहता था। अब तुम लोग का क्या मानना, तुम लोग जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। प्लस अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे यार जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम आकर के सबसे पहले इस वीडियो को देख पाओगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।